हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीराज कुकिंग कॉर्नर। में आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की डिश, जिसका नाम है कढ़ाई पनीर। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमारे वेज मेन्यू में पनीर डिश होता ही है, तो मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर, जो बहुत ही टेस्टी और आसान होता है बनाने में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप सभी को हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी हम शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए यहाँ पे हमने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे कुकिंग। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम कुछ पनीर लिए हुए हैं, 300 ग्राम है, इसे इस तरह से हमने कट कर लिया, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करके डालने से पनीर, कढ़ाई पनीर में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आपको पसंद है तो आप करिए, नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अलग प्लेट पर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस कलर चेंज हो जाए, हमें उतना ही फ्राई करना है। हमारा पनीर काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए, हमने सभी पनीर को निकाल लिया है। अब इसी बचे हुए ऑयल में हमने छोटा शिमला मिर्च कट कर लिया इस तरह से स्क्वायर पीस में, और एक प्याज कट कर लिया है इस तरह से। अब इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसी बचे हुए तेल में हमने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है। इसे हमें बस सॉटे करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है, हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, बस 1 से 2 मिनट तक। हमारे प्याज और शिमला मिर्च भी फ्राई हो चुके हैं, हम इसी प्लेट में इन्हें भी निकाल लेते हैं। एक आधा छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे इसमें। यहाँ पे हमने ग्रेवी बनाने के लिए कुछ मसाले तैयार किए हैं, इन्हें हम इसमें डाल देते हैं। छोटी इलायची 3-4 लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, 12 से 15 लहसुन की कलियाँ हैं, इसे भी डाल देते हैं हम, और अदरक के कुछ टुकड़े हैं ये डाल देते हैं, 2 हरी मिर्च, इन्हें भी डाल देते हैं। इन सबको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसी के साथ हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, कुछ इस तरह से कट कर लिए हैं, इन्हें भी इसमें डाल देते हैं। इन सबको अच्छे से भूनकर हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। इस तरह से मैंने प्याज को कट किया है। खड़े मसालों से इसमें टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा और काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी, एकदम होटल जैसा टेस्ट मिलेगा हमें, इसलिए खड़े मसाले का यूज़ ज़रूर करें। देखिए, हमारा प्याज काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा कर हम पीस लेंगे। इसे हम एक जार में निकाल लेते हैं। इसे हमने एक मिक्सी जार में निकाल लिया है। अब इसे हम ठंडा करके खूब अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमने मसालों को अच्छी तरह से हमने एक फाइन पेस्ट बना लिया है। इसमें हमने पानी का ऐड नहीं किया है, इसे बिना पानी के ही पीसना है। तो चलिए, हम फटाफट से हम कढ़ाई पनीर बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, यहाँ पे हम 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल दे सकते हैं। इसमें हमने 5 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है। 1/2 चम्मच इसमें हम जीरा डाल देते हैं। 1/2 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ऑयल में मिर्च और हल्दी डालने से हमारी सब्ज़ी का कलर काफ़ी अच्छा आएगा। याद रखिए, ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, अदरवाइज हमारे मसाले जल जाएंगे। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
अब हमने जो मसाले पीसे हुए हैं अब इसको इसमें हम डाल देते हैं। हम सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। जार में जो मसाले लगे थे इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इन सबको भी इसमें डाल देते हैं। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम में रखेंगे ताकि हमारे मसाले काफ़ी अच्छी तरह से भुन जाए। देखिए हमारे प्याज काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसमें हम कुछ मसालों को ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप इसे कम कर सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सबको हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच पनीर मसाला लिया, इसे भी डाल देते हैं। इन सबको अच्छी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं अच्छे से। हमारा मसाला आधा भून चुका है। अब इस स्टेज पर हमने यहाँ पर 3 टमाटर को अच्छी तरह से पीस लिया है, अब इसे भी हम इसमें डाल सकते हैं। आप टमाटर चाहे प्याज के साथ भूनकर उसके साथ में ही पीस के आप डाल सकते हैं, बट उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इस तरह से बना के डालें। नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार, इन सबको मिक्स कर दें। टमाटर डालने के बाद हमें तुरंत नमक डाल देना चाहिए जिससे हमारे टमाटर काफ़ी अच्छी तरह से गल जाए और आसानी से पक भी जाए। मसाले हमारे पकने लगे हैं, अब इसे हम ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि हमारे मसाले काफ़ी अच्छी तरह से पक जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम हमारे मसाले खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी तरह से हमारे मसाले भून चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं मसाले को, क्योंकि इसमें हमें दही डालनी है। दही अगर हम गरम गरम डालेंगे तो दही फटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हमेशा कभी भी दही डालें तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, मसाले थोड़े ठंडे हो जाए तब इसमें दही डालें ताकि हमारे दही फटे ना, इसलिए हम मसालों को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। देखिए हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब इसमें हम दही को ऐड कर देते हैं। ये 2 चम्मच दही है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। इन्हें भी हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से। देखिए हमने दही को मिक्स कर लिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं हम। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे मसाले जितनी अच्छी तरह से हम इसे भुनेंगे उतनी ही टेस्टी हमारी ग्रेवी बनेगी। देखिए हमारे मसाला भुनना स्टार्ट हो गए हैं फिर से। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल देते हैं। क्रश करके डालने से कसूरी मेथी का से खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। इन्हें मिक्स कर देते हैं। साथ ही हमारी ग्रेवी को और भी रिच बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए इसमें हमने 10 से 12 काजू का पेस्ट बना लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर हम काजू का पेस्ट ना भी डालें तो इसमें कोई ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी दही वगैरह डाला हुआ है तो जिससे हमारा टेस्ट अच्छा ही आएगा। बट हम होटल जैसा कढ़ाई पनीर बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें काजू का पेस्ट ऐड किया है। इन्हें 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेते हैं। कुछ अगर हमें अच्छा बनाना है, टेस्टी बनाना है तो मसालों को काफ़ी अच्छी तरह से भुनना भी ज़रूरी है। अब हमारे मसाले काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुके हैं, इसमें मैं 1.5 ग्लास पानी को ऐड करूँगी। देखिए इसमें मैंने 1.5 ग्लास पानी को ऐड कर दिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ढक्कन को लगा देते हैं और एक बॉईल आने का वेट करते हैं। 1 मिनट हो गया, हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं।
देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया अच्छी तरह से। अब इसमें हमने पनीर, शिमला मिर्ची और प्याज को फ्राई करके रखा है, इसे इसमें हम डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऊपर से डालकर इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ऊपर से गरम मसाला डालने से सब्जी में काफी अच्छा टेस्ट आता है। देखिए फ्रेंड्स काफी अच्छा दिख रहा है हमारा कढ़ाई पनीर। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक ढककर पका लेते हैं। मीडियम फ्लेम कर गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। फ्रेंड्स इसे हम खोलकर चेक कर लेते हैं। वाओ फ्रेंड देखिए हमारी ग्रेवी काफी टेस्टी और यम्मी लग रही है। इसमें कलर भी काफी अच्छा है और इसमें खुशबू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ऊपर से कुछ हम फ्रेश धनिया के पत्तों को डाल देते हैं। धनिया के पत्तों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स लग रहा है ना एकदम होटल जैसा हमारा कढ़ाई पनीर। हमने हमारी ग्रेवी काफी अच्छी और टेस्टी लग रही है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल देते हैं। लीजिए फ्रेंड्स हमारा कढ़ाई पनीर होटल जैसा एकदम बनकर तैयार है। काफ़ी टेस्टी और यमी है। आप इसे पराठे, रोटी, नान किसी के साथ भी खाएं, ये वो सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स आपको ये हमारी कढ़ाई पनीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।